सघन वृक्ष और अंधेरी, मूक निमंत्रण छल्ला है, अरे पथ में अभी पथिक विश्राम कहाँ, अभी बहुत दूर तक चलना है। नमस्कार साथियों, मैं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेके आया हूँ गुप्तोत्तर काल का अंतिम अध्याय, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तरकालीन भाषा एवं साहित्य। दोस्तों, गुप्तोत्तर काल में अधिकांश साहित्य संस्कृत भाषा में रचे जाते थे। इनमें से कुछ साहित्य प्राकृत भाषा में भी रखे गए। इसके अलावा गुप्तोत्तर काल में दोस्तों को एक नई लिपि का निर्माण हुआ था, जिसका नाम था सिद्ध मातृका। इस काल में विकसित हुई एक लिपि है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिद्ध मातृका क्या है। तो एक लिपि है जो गुप्तोत्तर काल में विकसित हुई थी। अब दोस्तों, अभी हर्ष के द्वारा संस्कृत में तीन नाटक लिखे गए हैं, जिसका नाम है, तीन ग्रंथ लिखे गए हैं, इसलिए इसे साहित्यकार सम्राट की उपाधि भी प्रदान की गई है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। उसके अलावा दोस्तों, बाण भट्ट के द्वारा हर्ष की के जीवन के बारे में हर्ष चरित्र लिखा गया है, जिसको पूरा किया था उसके बाण भट्ट के बेटे भूषण भट्ट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों, बाण भट्ट के द्वारा कादंबरी नामक ग्रंथ भी लिखा गया है। मयूर के द्वारा सुभाषितावली और सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की गई है। उदोतकर के द्वारा न्यायवर्तिका नामक ग्रंथ लिखा गया है। उदोतकर द्वारा न्यायवर्तिका। हेंसान के द्वारा योगाचार पर एक ग्रंथ लिखा गया है। इसके अलावा उसकी पुस्तक सी यू की भी लिखी गई है, जो काफी फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। वाक्पति के द्वारा प्राकृत भाषा के अंतर्गत गोड बहु नामक रचना की लिखी गई है। भगवती के द्वारा दोस्तों मालती माधव महावीर चरित्र और उत्तर राम चरित्र की रचना की गई है। सिद्ध मातृका गुप्तोत्तर काल में विकसित एक लिपि। तो दोस्तों, अभी फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के का महीना युवाओं के लिए काफी एक्साइटिंग वाला होता है, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महापर्व की, और ये अपना आज गुप्तोत्तर काल पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उजड़ी हुई रियासत के लूटे हुए सुल्तानों के लिए, मतलब जो प्यार इश्क और मोहब्बत जो करते हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। मैं एक शायरी कहना चाहूंगा, प्रेम तो था पर कभी बया नहीं कर सके, प्रेम तो था लेकिन कभी बया न कर सके, ख्वाहिशें दिल में रह गई कभी बता न सके, चाह के भी चाहत को तेरे पूरा न कर सके, दिल आज भी तड़पता है कभी भुला न सके। तो उन उजड़ी हुई रियासतों के लूटे हुए सुल्तानों को मैं यही कहूंगा कि 14 फरवरी का दिन ये राष्ट्रीय महोत्सव जो मनाना है आप मना सकते हो, लेकिन उसके बाद आप आराम से अगले टारगेट पर लग जाना। क्योंकि रिट के एग्जाम के बाद दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर है कि आरएस की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, नई वैकेंसी। तो आप पूरा अपना डेडिकेशन उसके साथ करना। फर्स्ट ग्रेड की भी राजस्थान में आने वाली है, तो आप उसी के साथ तैयारी अपनी कर सकते हैं। आईएएस का नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, उदयपुर में कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आई हुई है। अगर कोई भी जो नेट और सेट पास किया हुआ है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रीट के एग्जाम के लिए। आपकी मेहनत अभी तक जो आपने की है वो हमेशा आपके साथ है। हमेशा दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि तूफान कितना भी हो हाथ उठाए पैर जमाए रखना, तूफान कितना भी हो दोस्तों, तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो
पैर जमाए रखना। अरे कौन कहता है छलनी में पानी नहीं जमता, अरे कौन कहता है छलनी में पानी नहीं जमता, बर्फ के जमने तक अपना हाथ लगाए रखना। जवाब मेरा।